एक दूजे के वास्ते। मैं तो बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू। थोड़ा ना चापलूसों से बच के रहना, कैंटोनमेंट में बड़े मिलने वाले हैं। श्रवण, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा ट्रांसफर भोपाल हुआ है? इस बात को लेकर अपसेट थे ना? छोड़ो ना यार, आज अच्छी बातें करते हैं। क्या अच्छी बात है? तुमने तो अभी तक मुझे कंग्रेचुलेट भी नहीं किया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, आज यहाँ पर दो दो मेजर मल्होत्रा है, पहली बार ऑफिशियली सुना, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार ऐसा लगा कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। हाँ, पता चला मुझे भी। अब तो तुम इतनी खास हो गई हो कि हम चाह के भी मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला छोड़ो, पहले कांग्रेट्स को। सॉरी यारा, भाभी को लेके मैं जा रहा हूँ। सीओ सर ने बुलाया आपको। ओके, चलिए मैं आती हूँ। कंग्रेचुलेशंस मेजर सुमन तिवारी। वन ग्लास प्लीज। थैंक यू। ऐसा ही होता है, पानी में छलांग मारने वाला फिर वहां छप छप करता रह जाता है। भाभी पर्सनल असिस्टेंट है लेफ्टिनेंट जनरल की, यानी कि एक तरीके से पूरे यूनिट की इंचार्ज। मेजर मल्होत्रा, मैं तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर अमन चौधरी। हेलो सर, एक्चुअली कल सुबह मैं आपको रिपोर्ट करने वाला हूँ। अच्छा, आप यहीं मिलते? ऑफ कोर्स, एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बोलिएगा मेजर सुमन को कि मैं उनसे के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। यस सर। अच्छा श्रवण, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। हाँ सर, बताइए ना। मैंने एक अपना ट्रांसफर की अर्जी डाली है, अगर इसमें तुम्हारी मदद हो जाएगी तो मेरा काम जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। माफ कीजिए सर, मैं कुछ समझा नहीं, मतलब इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मेजर मल्होत्रा, तुम एक स्मार्ट ऑफिसर हो, यहाँ काम कैसे चलता है तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मतलब सुमन से इनकी बात करूं? लेकिन सर, इसमें मैं कैसे आपकी हेल्प करूं? अब तुम्हें कब कहना है, कैसे कहना है, ये सब मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम अपने सीओ को निराश नहीं करोगे। चलो कल मिलते हैं। सी यू सून, टेक केयर। यस सर। अबे तू यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहा है? तेरी कामयाबी की पार्टी है, वहां सबके साथ सेलिब्रेट कर। एक्चुअली क्या है ना यार, पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो तू चल, मैं आता हूँ। चल दिया। मेरी कामयाबी की पार्टी। मैं ड्रेसिंग चेंज कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं एक बार देख तो लेती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं सच में ठीक हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम उदास हो, तुम्हें ऑन फील्ड पोस्टिंग चाहिए थी और अब यहाँ भोपाल में रुकना पड़ेगा। सुमन, आज ये सब बातें करके मूड खराब नहीं करते। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी लाइफ का इतना स्पेशल डे है,
इनफैक्ट हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी ठीक है, हम दोनों अपने अड्डे पर चले, सुमो स्पेशल। एक्चुअली आज थोड़ा थक गया हूँ और नींद भी आ रही है। कोई बात नहीं, हम फिर कभी चलेंगे। फ्रेश हो गया था। तो तुम रोज रात को डिनर के बाद वॉक करते हो? हाँ, यही तो है हमारे फिटनेस का राज। अरे अच्छे अच्छे बेहोश हो जाते हैं हमारी फिटनेस को देखकर, हैं? वो क्या कहते हैं, लीन वर्कआउट। नहीं नहीं सही है, मान रही हूँ मैं तुम्हारी बात। वैसे अगर हमको कोई कह देता ना कि कंचन जी ने हमको तिवारी हाउस में डिनर के लिए इनवाइट किया है, तो हम तो कह देते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब बतोलेबाजी के बिना एक लिमिट होती है। अरे ऐसा क्यों? बस हम भूत पर भी यकीन कर लेते, इस पर शायद। पर अब जब हालात बदल सकते हैं तो लोग क्यों नहीं। और वैसे भी पिछले कुछ महीनों में तुमने हमारी बहुत हेल्प की है बंटी। कोशिश करते रहते हैं बस। वैसे थैंक यू फॉर डिनर। ओ थैंक यू मुझे मत बोलो, मम्मी को। उन्हीं का आइडिया था। श्रवण और सुमन पार्टी में थे और मम्मी ने बोला कि बंटी को कभी इनवाइट नहीं किया डिनर पे, तो बस। अच्छा तो मतलब मम्मी जी ने, मतलब आंटी जी का, आंटी जी ने आइडिया दिया था जी। हाँ। वैसे खाना ठीक था? हाँ। तुम थोड़ी ना हमको ऐसे याद करोगी। क्या? कुछ नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी बनाया था आंटी जी ने। आंटी जी को भी हमारी तरफ से वो थैंक यू फॉर डिनर के देना। श्योर। अभी चलते हैं हम। ओके, गुड नाइट बंटी। गुड नाइट, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू, बाय। मेरा आइडिया था तो थैंक यू मुझे बोलो। जी थैंक यू आपका। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।